दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में जहां औसत वर्षा 630 मिलीमीटर होती है, परंतु पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वर्षा जल बहकर चला जाता है। इन क्षेत्रों में पेयजल का मुख्य स्रोत खुले कुएं एवं हैंडपंप हैं, जिससे 80% लोग पीने का पानी लेते हैं। यह पानी पीने के लिए असुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक एवं जैविक प्रदूषण पाया जाता है। ज्यादातर ये स्रोत गर्मी में सूख जाते हैं। महिलाओं और बच्चों को काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी नल में पी में सुनते थे और गामड़ा में ते बस सटी सटी दूर दूर हो पानी लावता ते कई बीमारी था, उल्टी थाई जाती, दस्ता थाई जाती, सौर भी बीमार थाई जाता। यही स्थिति स्वच्छता कार्यक्रम की है। आज भी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के 80% परिवारों के पास शौचालय नहीं है। इस प्रकार भारत में प्रतिवर्ष 38 करोड़ लोग पानी से होने वाली बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं एवं 1.5 करोड़ बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सेवा मंदिर स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है। शुरुआत में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत, कुआं बधाई एवं कुओं में क्लोरीनेशन का कार्य किया गया। उसके पश्चात स्नानघर एवं शौचालय बनाने का कार्य किया गया। कबर मंदिर कतरा एड़पे बड़ा से मंदिर वा ठीक करवाया हम पानी पी रहे हैं ने खूब दूर दूर पानी लेन पिया हम परेशान हो गया। लोग बस से मंदिर अंदर को थोड़ी मदद दे रहे हैं, हमारा अच्छी बात है। स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कुआं बधाई, टंकी निर्माण, हैंडपंप रिपेयर एवं व्यक्तिगत कैंडल फिल्टर द्वारा करीब 5000 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया। साथ ही 900 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण कराया गया। इसके नियमित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक बैठक, प्रशिक्षण व नियमित फॉलोअप किया गया। हमने इको सैन शौचालय बनाए, जिसमें कम से कम पानी का उपयोग होता है और मल को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इको सैन एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम है, जिसके अंदर जो ह्यूमन वेस्ट है उसको, जैसे मल मूत्र और वेस्ट वाटर है, उसे सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है, जिसका उपयोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में एग्रीकल्चर के अंदर किया जा सकता है। इस प्रकार के शौचालय बनाने के जो मुख्य फ़ायदा है उसमें है कि इसमें कम से कम पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पीने का पानी भी महिलाओं को काफ़ी दूर से लाना पड़ता है, उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है। वो कारीगर का काम करता हूँ। सेवा मंदिर ने ट्रेनिंग दी, उदयपुर किया, उदयपुर जाए ट्रेनिंग देने आया, ट्रेनिंग देने इक्वेशन का लेआउट दी, लेआउट दे फिर बाद इक्वेशन का काम चल रहा है। अच्छा काम है हमारा गांव में। स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा मंदिर को ONGC का आर्थिक सहयोग मिला, जिसके माध्यम से समुदाय के साथ मिलकर 7 गांवों में कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 6 कुआं बधाई, 6 टंकी निर्माण, 6 हैंडपंप मरम्मत एवं 65 फिल्टर वितरण द्वारा कुल 380 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया एवं 93 परिवारों के यहां इको सैन शौचालय निर्माण कराया गया, जिसका नियमित उपयोग हो रहा है।